आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के डाटा हैंडलिंग चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 1, 2, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इनकी वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? एक्सरसाइज 5.3। ओके, क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन समझ आना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। तो हम 10 सेपरेट स्लिप्स बना लेते हैं। सर्कल बनाता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे 1, इस पे 1 लिखा हुआ है, इस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 स्लिप्स हमारी, इसके ऊपर 10 लिखे हुए हैं। कैप्ट इन अ बॉक्स, ये सारे हमने बॉक्स में डाल दी हैं, मिक्स कर दिया है इसको बॉक्स को। वन स्लिप इज चोजन वंस फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट, बिना देखे हमने एक पर्ची उठानी है। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो पहला पार्ट हमारा है वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बहुत आसान है, जो टोटल हमारी चीज़ें हैं, टोटल हमारे कितने नंबर है 10, वो कितने 10 कितने नीचे आ जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है 6 की। तो 6 हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, देखिए एक ही 6 है, तो 1/6 पहले का आंसर है, 1/6। दूसरा पार्ट इसका है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। सो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 10, तो 10 नीचे आएगा, और लेस देन 6 कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 के टेबल में 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर आएगा हमारा 1/2। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब टोटल हमारे पास नंबर अभी भी 10 है, और ग्रेटर देन 6 कितने हैं 7, 8, 9, 10, तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 4/10। अब ये 2 के टेबल में कट जाएंगे, 2, 2 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो हमारा आंसर जो है 2/5, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है जो फोर्थ वाला है, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें गेटिंग अ वन डिजिट नंबर। व्हाट गेटिंग अ वन डिजिट, वन डिजिट की जो नंबर होता है, मतलब उसमें एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, अभी मैं समझाता हूँ वन डिजिट क्या होता है, इक्वल टू टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 10। अब देखिए वन डिजिट, ये भी वन डिजिट है, ये भी वन डिजिट है, ये भी वन डिजिट, 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 और ये हमारा 2 डिजिट, क्योंकि इसमें 10 है, ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है। तो काउंट करो 1 डिजिट कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आंसर क्या है इसका 9/10 है। ऐसे करके ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत आसान था। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो, आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ आप इस चैनल के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ओके, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि बहुत आसान है। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं, जो कि बहुत इजी हैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।